Hello children, in this video you will get to know how to insert image in a web page. So here we are going to start with HTML. आप web page में कैसे image को insert करोगे? इसमें हम दे देते हैं head, then your title. Title में आप दे दो image tutorial. Fine. Title, close and head close. देन वी हैव बॉडी टैग. बॉडी टैग के अंदर आपने दिया IMG. IMG stands for image. SRC. SRC क्या है? IMG टैग का एटीब्यूट है. SRC stands for source of the image. और you can say URL of the image. ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज का सोर्स देंगे. तो कोई भी इमेज आप ले लो, उसको आप क्या करो, ओपन विद ब्राउजर में कर लो. कोई भी ब्राउजर में आप इसको ओपन कर लो. जैसे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने इसको ओपन किया, उसके एड्रेस बार से इसको कॉपी कर लो, इसका यूआरएल कॉपी कर लो. ओके, मैंने इसका एड्रेस बार से यूआरएल कॉपी कर लिया. फाइन, अब यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो. पेस्ट हो गया. फाइन, अब हमने क्या कर दिया, ऑल्ट एटीब्यूट का यूज कर लिया. ऑल्ट क्या होता है? अगर आप कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी प्लेस पे जो भी टेक्स्ट आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट में दिया है वो डिस्प्ले हो जाएगा. फाइन, और अगर इमेज आ रही है तो ऑल्ट एज अ टूल टिप वर्क करेगा. जब आप अपने कर्सर को वहां ले जाओगे तो वो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा. जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, इमेज, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज दे दिया. फाइन, ओके, बॉडी क्लोज एंड देन योर HTML क्लोज. फाइन, अब हमने इसका सेव करेंगे. सेव किया, कंट्रोल एस, आपने दे दिया इमेज ट्यूटोरियल .html. फाइन, ये आपने सेव कर दिया इसको. ओके, अब इमेज ट्यूटोरियल हमने इसको किया ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर. आपकी इमेज आ गई है. फाइन, दिस इज योर इमेज. ओके, अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अब इसके दूसरे एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे. नाउ वी विल गिव द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग. हाइट, अब हाइट और विड्थ आप नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ वेब पेज, मतलब परसेंटेज ऑफ विंडोज हाइट एंड विथ. ठीक है, तो विंडो की हाइट एंड विथ क्या होती है, 100% होती है. आप परसेंटेज में भी दे सकते हो या फिर आप नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हो. जैसे मैंने हाइट दे दी, अभी नंबर ऑफ पिक्सल्स में दिखाती हूँ. 400 हाइट दे दी पिक्सल्स, एंड विथ, विथ भी मैंने क्या दे दिया, 400 पिक्सल्स में. ठीक है, हाइट एंड विथ मैंने ऐसे दे दिया. इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस. यू कैन सी ये हमारा ट्यूटोरियल है. फाइन, जो हमने पहले ओपन किया था उस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं. ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करो, देखो उसकी साइज इंक्रीज हो गया है. ओके, नाउ अगर आपको क्या देना है, परसेंटेज में देना है, तो मैंने क्या कर दिया, 25% ऑफ विंडोज हाइट, यहाँ पे दे दो 25% ऑफ विंडोज हाइट एंड 25% ऑफ विंडोज विड्थ. ठीक है, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो. नाउ रिफ्रेश, देखो स्मॉल हो गई है इमेज आपकी, बहुत स्मॉल हो गई है. फाइन, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 400 400 ही कर देते. ओके, नाउ वी हैव द अलाइन एट्रीब्यूट. ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इमेज को अलाइन कर सकते हो वेब पेज पे किसी भी पोजीशन में. तो इसकी हमारे पास सबसे पहले बाय डिफॉल्ट इमेज कहाँ अलाइन होती है, हमेशा लेफ्ट में अलाइन होती है. यू कैन सी, इसको रिफ्रेश कर दो. ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा आपकी जो होती है वो, अभी मैंने इसको एक्चुअली सेव नहीं किया था, तो अभी इसने 400 पिक्सल लिया नहीं, अभी अलाइन के बाद में इसको सेव करूंगी. ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में अलाइन होती है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं राइट. राइट, यू कैन सी, रिफ्रेश, देखो साइज वो भी ले लिया, राइट में आ गई है. ओके, अब देखो यहाँ पे आप अलाइन का जो वैल्यू है वो सेंटर दोगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगी. ओके, तो देखो मैंने इसको सेंटर दिया और मैं आपको शो करूंगी, रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, सेंटर में नहीं आई है इमेज, अपनी डिफॉल्ट पोजिशन वो क्या होती है, लेफ्ट.
ओके डेट इज लेफ्ट, वहां चली गई है। तो अगर आपको इमेज को सेंटर में करना है तो अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू एज अ सेंटर आप नहीं लोगे। क्वेश्चन भी आता है हाउ यू विल अलाइन योर इमेज इन द सेंटर, तो उसका आंसर होगा बाय यूजिंग द सेंटर टैग। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है अपनी इमेज को सेंटर में करना है तो आपको सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा। उस सेंटर क्या है, कंटेनर टैग है, यहाँ पे आपको सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा। फाइन, देखो सेंटर, ओके नाउ रिफ्रेश, अब आ गए सेंटर में। ओके समझ आया, अगर इमेज को अगर आप लैंग के साथ सेंटर यूज करोगे तो कभी भी सेंटर में नहीं आएगी, इसके लिए आपको सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा इमेज को सेंटर में अलाइन करने के लिए, और ये क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली। ठीक है, अब अगर हमारी इमेज के साथ टेक्स्ट भी है तो हम टेक्स्ट को कैसे अलाइन करेंगे इमेज के साथ, तो कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं पहले, जैसे यहां से मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लेते, मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट कहाँ आए, इमेज के बॉटम पे आए। ठीक है, तो आप क्या करोगे अलाइन के साथ आप वैल्यू यूज करोगे बॉटम, तो टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, इमेज के बॉटम से स्टार्ट होगा। ठीक है, जहां पे इमेज का बॉटम होगा वहीं से टेक्स्ट की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, रिफ्रेश करो, अब देखो ये जो टेक्स्ट है ये अभी तो एक लाइन का टेक्स्ट है, अगर पैराग्राफ होता है या वन पेज टू पेजेस होते तो क्या होते है? ये इमेज के बॉटम से स्टार्ट होता हो रहा है। ठीक है, इमेज के बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, देन हमने इसका एट्रीब्यूट लिया मिडल, तो हमारा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, इमेज के मिडल से स्टार्ट होगा। ठीक है, नो सी रिफ्रेश करो, टेक्स्ट जो आपका है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इमेज के मिड पार्ट से, मिडल से स्टार्ट हो रहा है। फाइन, देन यू हैव अलाइन टॉप, आपको टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, इमेज के टॉप से करना है। ठीक है, तो इमेज के टेक्स्ट से आपका इमेज के टॉप से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, रिफ्रेश, तो टेक्स्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इमेज के टॉप से स्टार्ट होगा। फाइन, ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज के एट्रीब्यूट्स किए हैं सारे। ठीक है, आईएमजी सॉरी एसआरसी एट्रीब्यूट, देन ऑल्ट एट्रीब्यूट, ओके देन आपका हाइट विथ एंड अलाइन एट्रीब्यूट, हियर वी हैव डन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। फाइन, ओके अभी हमारा एक एट्रीब्यूट और रह गया यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है, आप बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से इमेज का क्या दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 20 पिक्सल्स का बॉर्डर। फाइन, 20 पिक्सल्स का बॉर्डर दे दिया है, नाउ हियर यू कैन से सी क्या आ गया, पिक्चर का बॉर्डर आ गया। फाइन, तो यहाँ पे अब हमारे सारे एट्रीब्यूट कवर हो गए, एस आर सी एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, हाइट एंड विथ, अलाइन एंड बॉर्डर ऑफ द इमेज।